हेलो एंड वेलकम टू पूनम्स किचन। आज की रेसिपी है खसखस हलवा। ये हलवा हमने ड्राई फ्रूट से बनाया है। इसमें लिए हैं काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, छुहारे, इलायची और खसखस। काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता को बारीक काट देना है और छुहारे को इलायची के साथ ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड करना है। ये छुहारे इलायची के साथ ग्राइंड कर लिए हैं। अब एक बर्तन में लेना है 750 ml दूध। दूध को अच्छे से बॉईल करना है। जैसे ही दूध बॉईल हो जाता है, गैस की फ्लेम को कम कर देना है। दूध को चलाते रहना है, बॉटम में लगने नहीं देना है। जैसे ही दूध बॉईल हो जाता है, उसमें डाल देने हैं जो हमने पीस के रखे हैं छुहारे इलायची के साथ और जो ड्राई फ्रूट काट के रखा है। दूध को अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल आने पर उसमें डाल देनी है चीनी। ये ड्राई फ्रूट वाला दूध बनकर रेडी हो गया है। अब एक पैन में मैंने ली है आधा कप खसखस। खसखस को ड्राई रोस्ट करना है। इसे पूरी तरह से ठंडा होने देना है, फिर इसे ग्राइंड करना है। अब उसी पैन में लिया है देसी घी। उसमें डाली है पीसी हुई खसखस। खसखस को ब्राउन होने तक भूनना है। अब उसमें डाल देना है ड्राई फ्रूट वाला दूध। चलाते रहना है, दूध को बॉटम में लगने नहीं देना है। ये हम बना रहे हैं खसखस हलवा। ये दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप बच्चों को एग्जाम्स में ये बना के खिला सकते हैं। इसे खाने से दिमाग बहुत ही तेज होता है। बस अब मीडियम हाई फ्लेम पर चलाते रहना है। अब ढक्कन लगाकर 10 मिनट लो फ्लेम पर रखना है। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं हलवे के ऊपर घी आ गया है और हलवे ने पैन को पूरी तरह से छोड़ दिया है। ये रेडी है खसखस हलवा। ये विंटर स्पेशल खसखस हलवा की रेसिपी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़े से डाले हैं ड्राई फ्रूट्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।